नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले उन स्टूडेंट के लिए जिनका सपना है दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी पहनने का। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करके उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि तैयारी तो लाखों स्टूडेंट करने वाले हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ हजारों का होने वाला है। तो आज का वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट के लिए होने वाला है जिनका यही है कि मुझे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं। हम उसके ऊपर यहां पर बात कर रहे होंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इसकी कट ऑफ क्या रहती है, इसका सिलेबस क्या रहता है, किस तरीके से इस सिलेबस को आप कवर कर सकते हो और एक बेहतरीन तैयारी करके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसके ऊपर हम यहां पर बात कर रहे होंगे। और दोस्तों, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि सिर्फ इसको फॉलो करो 100% सिलेक्शन होगा, और भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि हजारों स्टूडेंट का पहले भी हुआ है और अब भी होने वाला है। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि जब तक चीजों को समझोगे नहीं, दिमाग में चीजें सेट नहीं होंगी, तैयारी करने के लिए ना मोटिवेशन मिलेगा ना एक सही गाइडेंस मिलेगी। सही राह मिलना जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हो ना भाई, आपको कहीं पे जाना है, आप कहीं से बिलोंग करते हो, आप सभी को आगरा जाना है ताजमहल देखने, लेकिन क्या करोगे, उससे पहले आपको रास्ता पता होना चाहिए। ये तो पता चल गया कि मुझे आगरा जाना है, ताजमहल देखना है, लेकिन उससे पहले रास्ता भी तो पता होना चाहिए और रास्ता बिल्कुल अच्छे से जाना चाहिए। तो उसी तरीके से है दिल्ली पुलिस, समझ लो आपको जाना है, इसमें आपको सिलेक्शन लेना है, तो इसके जो रास्ता होता है ना वो होता है सिलेबस, और अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। वैसे मैंने मोटिवेशन आपको बहुत ज्यादा दे दिया, लेकिन एक सही चीज आपको बोला था ना, सही रहा, उसके लिए बता देता हूं कि जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। इस लाइनों का मतलब समझ जाओगे ना तो समझ लो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्या है कि जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रही हैं। इसका मतलब है कि आपने जो दिल्ली पुलिस की तैयारी स्टार्ट कर दी है, जो आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी है उसको स्टार्ट कर दिया, तो बस आप कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि किसी दिन आपको होगा कि काम आ गया, किसी दिन होगा कोई फंक्शन आ गया या कोई भी चीज आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई किसी दिन 2 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 6 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 8 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिया। ठीक है, 10 घंटे किसी दिन पढ़ लिया, लेकिन रुकना नहीं है। ये मत सोचना कि चलो कोई आज 8 घंटे नहीं पढ़ पाया, कल पढ़ लूंगा, नहीं, रुकना नहीं है किसी भी दिन। तो 2 घंटे मिल रहे हैं 2 घंटे पढ़ लो, 1 घंटा मिल रहा है 1 घंटे पढ़ लो, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे चलकर भी, कछुए वाली कहानी सुनी होगी ना, धीरे धीरे कंटिन्यू चलते रहोगे तो जीत जाओगे, और बीच में रुक गए तो उस खरगोश की तरह हार जाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहां पर जो लिखी हुई है, इसको लिख लेना चाहिए आप, ठीक है, इसको लिख लेना। अब चलते हैं आगे, एक ऐसी बात के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है सिलेबस, क्योंकि अगर यही नहीं होगा, क्योंकि रास्ता ही नहीं होगा तो मंजिल तक तो नहीं पहुंचेंगे, तो सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। इसमें दोस्तों आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं जो आप सभी को पता है। एक होने वाला आपका मैथ्स, दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है आपका रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट होने वाला है आपका कंप्यूटर, और चौथा सब्जेक्ट होने वाला है आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर। ये 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है, जीके जीएस एंड करंट अफेयर, ये 4 सब्जेक्ट आपके आ रहे होंगे। और यहां पर देखें तो भाई मैथ का जो वेटेज रहता है वो रहता है 15 का, इसका रहता है आपका 25 का रीजनिंग का, कंप्यूटर की बात करें तो 10 का रहता है और इसका रहता है 50 का। भाई 25, 15, 40, 10, 50 और 50 कितने हो गए, 100। तो यहां पर जो पेपर होने वाला है वो होगा आपका 100 क्वेश्चंस का, इस बात को नोट कर लेना। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, सिलेबस जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं कर रहे थे उनको अब पता चल गया होगा।
लेकिन ये तो हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, क्या बताया था आपको कि कैसे तैयारी करें और जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा। तो ऐसी कौन सी बात मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहना। आज बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से क्लियर हो रही होंगी और आपको एक सही राह पे ले जा रही होंगी, सिलेक्शन वाली जो राह होती है ना उसके ऊपर आपको ले जा रही होंगी। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं। अब आपको लग रहा होगा सर जी 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चंस हैं तो एक क्वेश्चन से एक नंबर का होता है, 100 नंबर का हो गया, तो 100 में से हम कितने नंबर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इसकी कट ऑफ दिखा देता हूं एक बार, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, इससे बहुत कुछ सीख जाओगे आप। देखिए क्या है, ये है भाई दिल्ली पुलिस की कट ऑफ, जो इससे पिछला पेपर हुआ था वो 2020 वाला पेपर था, ठीक है, और उसमें जो कट ऑफ गई थी जर्नल कैटेगरी की लड़कों के लिए तो थी 72.2 और लड़कियों के लिए थी 56.7, ठीक है, आप देख रहे हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62.5 थी लड़कों के लिए, ये मेल और फीमेल की कट ऑफ है, और यहां पर जो फीमेल की है वो 44 point something यानी लगभग 45 गई थी ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी में जो स्टूडेंट है उनकी यहां पर देख सकते हो 68.3 53.4, एससी एसटी वाले स्टूडेंट लगभग 57 इनकी गई थी और 45.5 गई थी, एसटी की थोड़ी ज्यादा गई थी, ठीक है। अब आपको ये चीज दिख गई होगी, अब जो सबसे ज्यादा टारगेट होगा ना जो स्टूडेंट के दिमाग में रहता है, जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट है, ओबीसी वाले स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट है, कि सर जी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए जो पिछली कट ऑफ गई थी कम से कम जर्नल की, आपकी नहीं, आप वाली नहीं, आपको ये नहीं देखना, आपको जर्नल वाली टारगेट लेके चलना है कि मुझे कम से कम जो 72.2 गई थी लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए इतनी थी, तो अपना टारगेट होना चाहिए कि भाई इधर कम से कम 75 का टारगेट मुझे लेके चलना है कम से कम। लेकिन पेपर देखिए मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, मैंने बोला ना कि एक एक चीज समझाऊंगा, ऐसे सभी टारगेट 75 नहीं कर लेना, और ये 75 टारगेट मैंने सिर्फ इनके लिए बताया, जनरल वालों के लिए नहीं बताया अभी, ठीक है, बात समझ रहे हो, 75 टारगेट रखा आपने। लड़कियों के लिए बात करें तो भाई अपना सेट टारगेट रख लेना आप, लेकिन एक कंडीशन क्या है इसमें कि पेपर का लेवल क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पेपर बिल्कुल इजी आ गया और बोलो सर जी आपने 75 बोला था तो भाई फिर तो 85 भी जाएगी, पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड रहा है इसका पेपर अच्छे लेवल का ही आता है, चाहे ये 2020 वाली बात करें या इससे पहले लगभग 2018 में आई थी, 17-18 में आई थी उसकी बात करें, पेपर का लेवल अच्छा ही होता है, ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना टारगेट अपना रख सकते हो, ये कम से कम है मिनिमम जिसको टारगेट बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं जर्नल कैटेगरी वाले जो लड़के और लड़कियां उनके लिए, तो अपना टारगेट इससे आप 5 इंक्रीज पहले ही कर लो कि 80+ मेरा टारगेट होना चाहिए, और लड़के यहां पर कर लेना अपना 65+ टारगेट होना चाहिए कम से कम, लेकिन पेपर का लेवल पिछले वाला देख लेना, उस हिसाब से मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमने कट ऑफ लगाई है और ये रियल कट ऑफ है, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये क्या है, रियल कट ऑफ है आपके सामने कि ये मेरा टारगेट होना चाहिए कम से कम, मिनिमम बोला, इस बात को भी नोट कर लेना कि कम से कम, इससे कम तो मैं कर ही नहीं सकता, इस बात को नोट कर लेना, इससे जितना ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है, एक थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, पता है क्या है कि अभी आप अपना टारगेट 80 बना लोगे तो 80 पर तो पहुंचने की मेहनत कर दोगे ना, लेकिन लास्ट के जो समय होगा उसमें हम इस टारगेट को अपने आप बढ़ा देंगे कि 80 आने लगे अब चलो 90 पे चलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 90 लगोगे तो बहुत दूर लगेगा। ऐसे होता है ना कि भाई आपको पहली क्लास में बैठाया गया और डायरेक्ट आपको बोल दिया गया कि आपको ग्रेजुएशन करनी है, आप सोचने लग जाओगे अबे काफी समय है 15 साल मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको बोला जाए पहली क्लास में बिठा के कि आपको 5वीं क्लास तक पढ़ना है तो आप 5वीं इजिली कर लोगे कि 5 साल है चलो अच्छी है, फिर 5वीं से 8वीं बोल दिया जाता है क्योंकि पहले के समय में ऐसा ही होता था, 8वीं में बोर्ड होता था आपको पता हो तो, ठीक है, उस तरीके से 8वीं में 10वीं में 12वीं में ये एक स्टेप बनाया गया है ताकि स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन मिलता रहे कि यहां तक इसको पार कर लिया, ये स्टेप पार हो गया, ये स्टेप पार हो गया, उसी तरीके से ये है, ठीक है, और ये हमारे दिमाग में सेट है। अब चलते हैं आगे, किस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे।
देखिए पिछले पेपर की बात करें या उससे पिछले पेपर की बात करें, तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो मैथ है ना उसको ये सोचता है कि 15 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, सिर्फ 15 नंबर ही है। लेकिन एक बात बताऊं, जो स्टूडेंट मैथ में स्कोर करता है उसका सिलेक्शन होने के ज्यादा चांस है। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि मैथ है अच्छे लेवल का आता है, और जो मेहनत करता है ना स्टूडेंट वही मैथ को सोल्व कर पाता है। सिंपली बात है, इस बात को ध्यान से समझना कि मैथ अच्छे लेवल का आता है और जो स्टूडेंट मेहनत करता है सिर्फ वही कर पाता है। तो जो मेहनत कर पाएगा, जो मैथ को सोल्व कर पाएगा, वो बाकी स्टूडेंट से वैसे ही आगे निकल जाएगा। तो इसलिए मैथ को अपना टारगेट होना चाहिए कि मैथ में मुझे 15 में से 15 स्कोर करने हैं। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि टारगेट लेके चलोगे उससे थोड़ा कम ही आता है, ठीक है? क्योंकि पेपर का प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो एक दो क्वेश्चन वैसे भी गलत हो जाते हैं। इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए कि मुझे मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चन करने हैं। कैसे करने हैं उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। ये बात समझ में आ गई कि टारगेट क्या है, कि मुझे 15 में से 15 क्वेश्चन करने। इधर देखिए फिर रीजनिंग है, रीजनिंग से आने वाले 25 क्वेश्चन। अब रीजनिंग एक ऐसा है जिसको आप थोड़ा अच्छा समय दे दो, बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है इसको, बस थोड़ा अच्छा समय देने की आवश्यकता है, यानी डेली 1 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली 1 घंटा दोगे ना तो अपना टारगेट जो 25 में से 25 क्वेश्चन वाला है ना, आप उसको अचीव कर सकते हो। और भाई ये पॉसिबल भी है, आसान होता है, ठीक है? 1-2 नंबर मैंने आपको पहले बोल दिया, एग्जाम के प्रेशर से या उस समय दिमाग में क्लिक नहीं कर पा रहा होता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तब गलत हो सकता है, लेकिन टारगेट तो यही होना चाहिए। अब एक बात बताऊं, टारगेट जनरल कैटेगरी के लिए हमने दिया था ना 80 का, ठीक है? मैक्सिमम हमने 80 का दिया था ना। अब यहां पर एक बात देखो कि अगर आपके यहां से 40 आ गए, 40 क्वेश्चन आपने यहां पर सोल्व कर लिए या 40 नंबर आ गए, क्योंकि एक क्वेश्चन से एक नंबर का होता है, तो 80 के लिए आपको इनमें से सिर्फ 40 ही करने पड़ेंगे। इस बात को नोट कर लेना। अब जो स्टूडेंट बोलेंगे सर जी 50 इसके हैं, 10 इसके हैं, 60 में से 40 मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा कर लूंगा। भाई ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 7 से 8 क्वेश्चन ही स्टूडेंट कर पाते हैं अच्छे से, जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है उनकी बात अलग है, लेकिन एवरेज बात करें तो 7 से 8 ही कर पाते हैं। जीके है ना हलवा नहीं आता, बिल्कुल आसान नहीं आती। जिनको लगता है ना जीके मैंने पढ़ लिया, मैंने थोड़ा सा स्टैटिक जीके पढ़ा और वो रट लिया, थोड़ा सा हिस्ट्री पॉलिटिक पढ़ी बन जाएगी बात, नहीं, इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, काफी अच्छी खासी आती है, पिछली बार देख लेना कहां पर मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा, वेट कर लो, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको फ्री मिल रही होंगी, मैं आपको बता रहा कि कहां कहां पर ये सारी चीजें आपके लिए मिल जाएंगी, ठीक है? इस बात को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, आपको स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, आपको करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। यहां पर 50 में से स्कोर कर पाना इजी नहीं है। अगर जो स्टूडेंट 35 प्लस स्कोर करता है ना, वो बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब यहां पर 35 आगे, उधर से 7-8 आगे, तो 40-42 हुए ना, तभी तो होगा, ठीक है? क्योंकि 1-2 नंबर उधर से भी कम हो रहा होगा, वो तो हमने पूरा पूरा लगाया, मैंने आपको बताया एग्जाम के प्रेशर से गलत हो जाते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और अगर आपने भी पहले कोई एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा वहां पर गलती हो गया, चाहे ऑटो में बैठो या बस में बैठो, बैठते दिमाग में आता यार इसका आंसर तो ये था भाई, मिस्टेक हो गया, ये ऐसे होता है, ठीक है? तो इसलिए आपको बता रहा हूं, ये अपना टारगेट होना चाहिए। मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के लिए आपको बता दिया कि क्या क्या टारगेट होना चाहिए। अब पढ़े कैसे और कहां पर पढ़े उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस सिलेबस को कंप्लीट करने के तीन स्टेप है। वो क्या है उसके लिए अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले होता है PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे आपको एक तो ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो किस तरीके की होती है, ठीक है? और मोस्टली ऐसी चीजें होती हैं जो उस तरीके के क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे होते हैं, तो आपको ये भी फायदा मिल जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को नोट कर लेना। तो पहली चीज है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं,
मैथ के भी आपको करने हैं, रीजनिंग के भी आपको करने हैं, कंप्यूटर के भी आपको करने हैं, जीके जीएस के भी आपको करने हैं, करंट अफेयर वाले नहीं करने। ठीक है, जो स्टूडेंट सिर्फ हर चीज को फॉलो करते हैं ना, करंट अफेयर को मत फॉलो कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो काम नहीं आएगी, वो समय निकल चुका, अब आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है कि आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सर जी आपने ये लिख दिया, यही तो सिलेबस है? नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैथ में कौन से टॉपिक्स आते हैं, रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। मैंने डिटेल से बड़ी मेहनत से आपके जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपरों को अलग अलग देखने के बाद, हर सब्जेक्ट का अलग अलग निकालने के बाद, बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी मेहनत से मैंने तैयार किया है, तो वो वीडियो आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद देखना, ठीक है, उसमें आपको मैथ का भी मिल जाएंगे कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जीके में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं और कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यह भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप उन दोनों वीडियोज को जरूर देख लेना, एक जीके के लिए बनाया हुआ है, एक मैथ रीजनिंग के लिए बनाया हुआ है, दोनों का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये सिलेबस आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक आता है, उस टॉपिक्स को पढ़ना है। अबे टॉपिक्स ज्योमेट्री पढ़े जा रहे हो मैथ में, ठीक है, वो आती ही नहीं है पेपर में, एलजेब्रा पढ़े जा रहे हो, आपके पेपर में आता ही नहीं है, तो इसलिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए और उस सिलेबस को आपको कंटिन्यू पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या है, आपकी प्रैक्टिस। जैसे ही आपका सिलेबस आप कंप्लीट करते हो, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इसके भी काफी तरीके हैं। एक तो भाई प्रैक्टिस सेट लगा लो, या जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट, वो ही आपको लगाने हैं। इसके अलावा आपको अपने जो नोट्स बनाने हैं उनसे आप कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा जो भी आपके पास मटेरियल है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये बात सभी को समझ में आएगी कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है वो पता चल गया। अब बात आती है दिमाग में कि सर जी ये कहां से मिलेंगे। पहली चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मार्केट में देखोगे तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप लेने जाओगे कि मैथ की बुक है, मार्केट में 100 रुपए की आ रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है, 100 रुपए की आ रही है, इस बात को नोट कर लेना। रीजनिंग के लेके लोगे वो भी 100 रुपए की आ रही है, कंप्यूटर की ले रहे हो वो भी 100 रुपए की आ रही है, जीके जीएस की 100 रुपए की आ रही है, यानी 400 रुपए की आपको बुक्स ही लेनी पड़ जाएंगी, इस बात को नोट कर लेना। लेकिन उसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस होगा, और आप सभी जानते हो कि भाई इतने बड़े अमीर तो है नहीं, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, स्टूडेंट हैं, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर पेपर में निकाल देंगे, रुपए देने पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद बुक्स परचेज करोगे उसके लिए देने पड़ेंगे, आपको कोर्स परचेज करोगे उसके लिए रुपए देने पड़ेंगे, हर चीज के लिए रुपए देने पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो मैंने आपके लिए इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन निकाल दिया, मैंने आपको बताया था ना बड़ी मेहनत की थी, तो उस मेहनत से मैंने आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बना दिए हैं, टाइप करवा दिए हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। कहां पर मिलेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी मैं डलवा दूंगा। प्रवीण कटारिया क्लासेस के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाना, आपको मैथ के अलग अलग मिलेंगे, हर के अलग, प्रतिशत के अलग दिखेंगे आपको, उसके लिए हमने मेहनत की है। पहले तो मैथ के निकाले, वो तो अलग होते हैं, लेकिन उसमें छाटा, फिर उसको टाइप किया गया इस तरीके से, ठीक है, प्रतिशत के अलग मिलेंगे आपको, सिंपल इंटरेस्ट के अलग मिलेंगे, इस तरीके से अलग अलग पीडीएफ भी मैंने बनवा दिया आपके लिए, बात समझ रहे हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के भी मिलेंगे आपको, रीजनिंग के भी मिलेंगे आपको, कंप्यूटर के भी मिलेंगे आपको, जीके जीएस के भी मिलेंगे, और जीके जीएस में भी मैंने आपके लिए अलग अलग करवाया है, क्या कि भाई अपना इकोनॉमिक्स है उसके अलग करवा दिए हैं, स्टैटिक जीके उसके आपने अलग करवा दिए हैं, हिस्ट्री के अलग करवाए हैं, पॉलिटी के अलग करवाए हैं, तो इसलिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर को भी अलग अलग करवा दिया। तो वो सारी चीजें भी आपको कहां मिल रही होंगी, अपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये 400 रुपए कहीं पर भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो बुक्स से पढ़ना चाहते हैं वो दे सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, हमारी भी मार्केट में बुक अवेलेबल है, सर्च कर लेना प्रवीण कटारिया के नाम से, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप रुपए देना चाहते हो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ मैंने आपके लिए निकलवा दिया मेहनत से,
ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी यहां पर निकल गई। अब बात आती है मैथ और रीजनिंग के सिलेबस की, क्योंकि भाई टारगेट यही है ना, आगे बात इनकी भी बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही है कि मैथ और रीजनिंग, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में अपना टारगेट है कि 40 में से मुझे 40 करना है, तो 40 में से 40 करना है। देखिए आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता या जिसको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, पहली बार तैयारी कर रहे हैं या मैथ में स्कोर नहीं कर पा रहे, उनको समझ भी नहीं आता कहां से पढ़े कैसे पढ़े, छोटी छोटी चीजें भी उनको नहीं पता, बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता, लेकिन स्कोर करना है मैथ में और रीजनिंग में भी स्कोर करना है, तो आप सभी के लिए मैथ रीजनिंग के लिए मैं कोर्स लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए, ठीक है। और वो कोर्स मात्र आपको 499 में मिल रहा है, जितने में आप बुक परचेज कर रहे थे ना वो रुपए आप यहां पे लगा सकते हो, ठीक है, या बुक परचेज कर रहे हो आपके पास और भी रुपए है तो यहां पर लगा सकते हो, बात समझ रहे हो। 499 रुपए में मैथ और रीजनिंग का कोर्स आपको मिलने वाला है, दिल्ली पुलिस का होने वाला है, बड़ा ही शानदार कोर्स होगा। मैथ की मैंने 15 क्लास, ठीक है, 15 क्लास तो मैथ की स्टार्टिंग में मैंने बेसिक करवाई है, जिन स्टूडेंट को मैथ नहीं आता, मैथ में स्कोर नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनको ये नहीं पता होता कि 5/6 बराबर 4/3 है, इसको कैसे क्या गुना करना है, जिनको ये नहीं पता होता कि एक्स प्लस 5/3 है तो ये उधर से जाके एक्स बराबर 3-5 कैसे हो गया, ये -5 कैसे लिख दिया, हर एक छोटी चीज मैंने उसमें बताई हुई है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए हमने ये 15 क्लासेज करवाई है बेसिक में, मैथ की बेसिक 15 क्लास हो, उसके बाद हर एक चैप्टर से जितनी भी क्लासेज बन सकती हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो है। और भाई जिसको लेना है ना, ये पहले बता देता हूं, देखिए ये रिकॉर्डेड बैच होने वाला है। रिकॉर्डेड बैच की सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो तब पढ़ सकते हो, जिस भी समय पढ़ना चाहते हो उस समय पढ़ सकते हो, जितनी देर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि लाइव में ऐसा होता है 1 घंटे टीचर पढ़ा रहा है तो आपको 1 घंटे ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि फिर अगले दिन आएगा वो, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग में क्या है कि अगर आप 3 घंटे पढ़ना चाहते हो मैथ तो 3 घंटे आप पढ़ सकते हो, इसका फायदा आपको रिकॉर्डेड बैच में होता है। और ये अपने प्रवीण कटारिया क्लास ऑफिशियल चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, जो अपना है ना ऐप बनाया हुआ है ना, पता है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, मात्र 499 रुपए देने हैं, ठीक है। और अभी ये कुछ दिनों के लिए हम ऑफर निकाला है और ये लिखा हुआ है ना, सिलेक्शन दिलवाए हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, और जो स्टूडेंट नए हो सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने 2020 वाला एग्जाम दिया होगा, ठीक है। तो आपको एक बात बता देता हूं, इस वीडियो के एंड में एक वीडियो डाल दूंगा मैं साथ में, जिसमें दिखाया हुआ कि कैसे स्टूडेंट ने कमेंट किए हुए हैं सिलेक्शन लेने के बाद, अपने चैनल का ये वीडियो वहां पर डिटेल से आपको दिख जाएगा। तो इसलिए लिखा है कि सिलेक्शन दिलवाए हैं, हजारों स्टूडेंट का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन करवाया है और आपका भी करवा रहे होंगे दिल्ली पुलिस में, तो जिनको मैथ और रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आप 499 रुपए में यहां से पढ़ सकते हो। अब ये मैथ और रीजनिंग की तो बात आ गई कि यहां से हो जाएगा, और यूट्यूब पर आपकी जो क्लासेज आ रही है, हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्व करवा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हो यूट्यूब से, ठीक है, और क्लासेज भी आपके लिए आ रही होंगी, तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे नहीं होगा, है, लेकिन जिनको बहुत अच्छे से, जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है आप वहां पर जाके मात्र 499 रुपए आपको देने हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं, और ये कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, लास्ट में इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे ना बन जाएगी बात, इतना ज्यादा आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स बनवा दिए हैं, कुछ दिनों में वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, और कुछ दिनों बाद जैसे ही अपडेट आती है, ठीक है, आपका एग्जाम नजदीक आएगा 1-2 महीने पहले, तब हम इस कंप्यूटर के सिलेबस को भी आपके लिए कंप्लीट करवा देंगे, यूट्यूब पर भी कंप्लीट करवा देंगे, टेंशन नहीं है। अब मेन मुद्दा क्या आता है भाई, वो तो 40 वाला तो आपने बता दिया सर जी कैसे क्या करना है, या तो हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे या आपका कोर्स लेके पढ़ लेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, आप ये 35 स्कोर कैसे करेंगे, ये वाला बताइए आप, ये वाला। तो देखिए इसके लिए क्या है, मैंने आपके लिए एक बेस्ट चीज कर दी है, मैंने आपके लिए एक बेस्ट चीज कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, क्योंकि भाई देखिए मैं सब कुछ तो पढ़ाता नहीं हूं और ना सब कुछ पढ़ा सकता, ये बात आप भी जानते हो, ठीक है। मैथ रीजनिंग में आपको पढ़ा रहा हूं, कंप्यूटर में आपको सपोर्ट करता हूं, लेकिन जीके जीएस तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इसलिए हमारे AK चौधरी सर ने जीके जीएस पूरी पढ़ाई हुई है,
चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपने उनसे दिल्ली पुलिस में भी पढ़ा होगा, आपने उससे एसएससी जीडी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, और वो आपको पहले से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, जो उनका 399 रुपए वाला जीके जीएस वाला बैच था ना, वो मैंने आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। और ये फ्री कहां मिलेगा, अपने ऐप पे मिलेगा, और ऐप का लिंक कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो बात समझ रहे हो, ये मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार हम हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाएं, हर एक थाने में हमारा स्टूडेंट होना चाहिए, दिल्ली पुलिस के हर एक थाने में हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट होना चाहिए। और इसके लिए क्या जरूरी है, जीके जीएस में स्कोर करना जरूरी है, ठीक है, कि जीके जीएस में स्कोर नहीं करोगे तो बात नहीं बन पाएगी। तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल फ्री कर दिया, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, बुक्स के लिए भी देने होते हैं, अभी मैथ रीजनिंग वाला आपने कोर्स परचेज कर लिया होगा, उसके लिए भी आपने 499 रुपए दिए हैं, फिर इसके लिए भी देने होते। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये बिल्कुल फ्री कर दिया, आपको कुछ नहीं करना, अपने ऐप को इंस्टॉल करना है, वहां पर जो लॉग इन करना है वो आप कर देना, फिर उसके बाद कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, क्लिक करते हैं आपको सारी क्लास दिख जाएंगे, हिस्ट्री का सेक्शन अलग बना हुआ है, पॉलिटी का अलग बना हुआ है, ज्योग्राफी का अलग बना हुआ है, इकोनॉमिक्स का अलग बना हुआ है, जो भी आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है हिस्ट्री से स्टार्ट कर दीजिए, और क्लासेज वहां पर लिखी हुई है कि किस किस की कौन कौन सी क्लास है, वहां पर देखिए और अपने जीके जीएस की भी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं। देखिए जीके का जो डर था ना 50 वाला, कि सबसे ज्यादा तो यहीं से आता है और मुझे यहीं पे सबसे ज्यादा करना है, तो भाई कोर्स भी आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए फ्री कर दिए हैं, और कुछ समय बाद आपके लिए नोट्स भी आ रहे होंगे, उन पे काम चल रहा है, क्योंकि नोट्स आपको पता है कि जल्दबाजी में नहीं बनाए जाते, उनके लिए काफी मेहनत लगती है, तो लगभग 1 या 1.5 महीने का समय उसके लिए और लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए पेपर से मैं पहले कम से कम 60 दिन पहले आपको दे दूंगा, इस बात को नोट कर लेना, 60 दिन पहले कम से कम बेहतरीन नोट्स होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कोर्स को कंप्लीट कर लेना, जो ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ये अभी आपके लिए ही ऑफर है, ठीक है। फिर मत बोलना सर जी हमें नहीं मिल रहा, तो अभी ऐप को इंस्टॉल कर लेना और वहां से ये देख लेना। और जो भी स्टूडेंट को डाउट हो, ठीक है, क्योंकि जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नए होंगे, जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, या 2020 में आपने दिल्ली पुलिस के समय में नहीं देखा होगा, क्योंकि एसएससी जीडी में तो आपने देखा होगा कि हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया, लेकिन 2020 पुराना समय है, उस समय आप तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए होंगे, ठीक है, या हमसे नहीं जुड़े हुए होंगे। तो सर जी आप बोल रहे हो कि सिलेक्शन दिलवाए हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, हम कैसे विश्वास कर ले कि दिलवाए हैं। तो इसलिए एक वीडियो बना हुआ, स्टूडेंट ने बहुत सारे कमेंट किए थे, जब रिजल्ट आता है ना तब स्टूडेंट धड़ाधड़ कमेंट करते हैं ना कि सर जी मेरा पहली बार में हो गया, सर जी मैंने थोड़ी मेहनत की थी उसमें हो गया, आपने जो पढ़ाया था उसी से हो गया। क्योंकि देखिए मेहनत तो क्या होती है, टीचर तो सभी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की मेहनत होती है, बस ये है कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट को समझ में आ जाता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट बैच ज्वाइन करना चाहता है, ये अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसको परचेज कर लेना। जीके वाला बिल्कुल फ्री है, यहीं पे अपने ऐप पे है, तो जो इसको नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको लोगे तभी आपको फ्री मिलेगा, वो तो फ्री मिल रहा है, तो अपने ऐप पे वो फ्री मिल जाएगा आपको, ठीक है। और टेलीग्राम पे सारे के सारे नोट्स आपको मिल रहे होंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए हैं ना, तो टेलीग्राम चैनल भी आप सभी स्टूडेंट जरूर ज्वाइन कर लेना। और जो भी स्टूडेंट अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके, और जो भी अपने नोट्स आ रहे होंगे, क्लास आ रही होंगी, उनकी अपडेट आपको डेली पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। टेलीग्राम का और अपना ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।